अपना हमारा जीवन और संतोष जी को भी मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि काफी अच्छे काफी दिनों से मेहनत करके इस तरह की जो व्यवस्था है कराने में काफी योगदान दिया है, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए टीम के सभी खिलाड़ी पहले कैप्टन जो कि शिवम सर हैं वो सभी लोग बीच ग्राउंड पे चले आ चुके हैं। व्यवस्था किस तरह का किया गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि किस तरह का व्यवस्था है। और हमारे कमेंटेटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं सतीश कुमार यहाँ से लाइव है, एकदम है लाइव फटाफट एकदम ग्राउंड लेवल से जारी रहेगा, तो आप लोग यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए और आज का मैच जो वॉलीबॉल का मैच है उसका रेफरी जो कि अंपायर हमारे सुपर सीनियर हंस सर रहेंगे, जो काफी मैचों का अनुभव है उनके पास, काफी बार जब सीनियर जूनियर का मैच खिलाया गया है तो उसमें काफी अच्छी अंपायरिंग की है और खासकर इस बड़े मुकाबले के लिए जाने जाते हैं, जहां भी बड़ा मुकाबला होता है उनको याद किया जाता है, तो आज एक बार फिर से हर्ष सर रहेंगे आज के मैच में क्या अंपायरिंग करेंगे। हम अभी ऊपर से कर रहे हैं तो आपको हम नीचे लेकर चलते हैं तुरंत देर में राष्ट्रगान बजने वाले हैं, बस रुक जाइए मैं आपको दिखाऊंगा पूरा लाइव यहाँ से, एक मिनट के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। लाइव चल रहा है एक व्यू यहाँ से आप सब देख सकते हैं होल व्यू। अंकुर यूट्यूब पर लाइव देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है आपको। ग्राउंड लेवल से लाइव एकदम जारी है देख सकते हैं, यहाँ का पूरा व्यवस्था अच्छा से किया गया है। कोच अभी नहीं जाएगा, उनका मुंह नहीं आना चाहिए यूट्यूब सेशन में। उसके बाद मैच का उद्घाटन होगा, तो चलिए सब लोग तैयार हो गए राष्ट्रगान के लिए, बजने वाली है समाप्त हो चुका है, बस कुछ ही देर में महात्मा गांधी की जिंदाबाद। बस कुछ ही देर में लाइव मैच आपके सामने स्टार्ट होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और जो भी वीडियो पा रहे हो लाइक करें। अब देखिए मैच का उद्घाटन होगा यहाँ पे, तो देखिए आप लोग बने रहिए। देखिए हमारे प्रशांत सर जो है वो आएंगे, प्रशांत सर हर सर उद्घाटन होगा मैच का यहाँ पे। देखिए आप लोग बताते रहिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और देखिए यहाँ रिबन कट चुका है। देखिए मैच का स्टार्टिंग चल रहा है और हमारे सर बॉल को कुछ उछाल कर मैच का उद्घाटन करेंगे, और बॉल यहाँ पर पूरी तरह से उछल गई है, अब मैच का उद्घाटन बस कुछ ही करो मैच उद्घाटन होगा।
मैच का उद्घाटन हो चुका है, तो बस आप लोग बने रहिए वीडियो को पूरा, लास्ट तक लाइव चलेगा आप लोगों के सामने, और कमेंट करके और लाइक करके वीडियो को जरूर जाना दोस्त। और मैं यहाँ से पूरा लाइव दिखाऊंगा, देखिए हमारे बहुत ही होनहार खिलाड़ी विवेक कुमार, पूरा दिखाइए अच्छा, होनहार खिलाड़ी विवेक कुमार जो बहुत ही अच्छे, और ये जितेंद्र कुमार जो बाल झाड़ते हैं, देखिए देख लीजिए, बस आप लोग बने रहिए वीडियो पर। हम अभी ऊपर की ओर फिर से जा रहे हैं, और ऊपर का भी पूरा अच्छे से दिखाऊंगा आपको, तो आप लोग पूरा देखते रहिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मरौनी के बॉयज हॉस्टल में किया जा रहा है लाइव, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। सीनियर और जूनियर के बीच जो सीनियर है हमारा 2018-21 बैच के, उनके और हमारे बैचमेट जो 2019-22 के हैं, उन लोगों के बीच में यहाँ पे मैच स्टार्ट होगा। तो बस मैच स्टार्ट होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए जब तक के लिए मैच स्टार्ट होता है, तब तक के लिए आप एक कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक मैं चलता हूँ, ऊपर भी दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे वहाँ कमेंट्री बॉक्स में बुलाता हो रहा है। ए भाई छवे को ना रहता है, इतना मनी कहाँ से आ गया, शुरू में ढेर मन गया और मैं आपको बता दूं कि कल 10 बजे से आपको इसी चैनल पे लाइव मिलेगा क्रिकेट का। आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्रिकेट हम सीनियर और जूनियर के बीच में दिखाएंगे, और सब ऑर्गेनाइज हो रहा है ओनली फेयरवेल पार्टी को लेकर। तो जीपी बरौन जो है वहाँ से आपको एकदम कल उलाव फील्ड से लाइव होगा, आप लोग चैनल पर एकदम बने रहिएगा और वीडियो को वॉच करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे इसमें कौन कौन खेलता है, मोहन ठाकुर लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए जो यहाँ जूनियर टीम के कोच है राजन कुमार, बोल रहे हैं कुछ, उनकी भी बातें कुछ सुन लिया जाए। बस कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पूरा जूनियर टीम के खिलाड़ी अपने जर्सी में उतर चुके हैं, बोल रहे हैं कल के लिए कैमरा का उपाय कर लेना, देखेंगे दोस्त, लेकिन इसी चैनल पर लाइव आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। बॉल का चेक पर कपिल कुमार यहाँ कर रहे हैं, देख सकते हैं कपिल कुमार तो आगे भी निकले हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। पांच मैच का सीरीज है, जो तीन मैच जीत जाएंगे उनके लिए घोषित किया जाए, चांस को आमंत्रित करना चाहता है और उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ
मजा नहीं आ रहा, बस आने वाला है, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, दोस्त इसलिए नहीं मजा रहा, बस मेरी बात सुनते रहिए। देखिए यहाँ कुछ बातें हो रही है, यह एक दोस्ताना मैच है। सबसे पहले मैं तमाम जूनियर्सों को गुड इवनिंग, और सतीश आपको भी। यह दोस्ताना मैच है और प्रदर्शनी मैच में आप ये नहीं सोच के चलते हो कि हमें हारना है या हमें जीतना है। हमें प्रसन्नता होगी हमारे जूनियर्स हमें हराए, बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन अपनी तरफ से हम भी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भैया लिख रहा, आवाज हम पहचान लिए हैं, मैं कुछ बहुत बढ़िया दे रहा हूँ उनका डिसीजन सर्वमान्य होगा। बीच में कोई ये नहीं कहेंगे कि ये पॉइंट मेरा है, ये पॉइंट उसका है। मैच रेफरी और लाइन मैन दोनों का डिसीजन सर्वमान्य होगा। किसी को तीसरे आदमी को इस बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि ये हमारे जूनियर और हम लोग के बीच का मैच है। तो यह एक टीम खेल भावना के प्रयोग खेला जाए, न कि यह दुश्मनी के वगैरह। तो आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जूनियर्स हैं उपस्थित, वो लोग इस चीज से सीखेंगे, इस चीज को देखेंगे। आप लोग इस चीज का भरपूर कोशिश कीजिएगा कि रेफरी पे ही भरोसा करें। और हम सीनियर हमारे जो बैठ में जो आपके जूनियर्स हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे जिस तरह से उनको व्यवस्था किया गया? तहे दिल से धन्यवाद। आज प्रथम बार हो रही है, चाहे वो प्रेशर हो या फेयरवेल, इस पार्टी के शुभ उपलक्ष्य पर प्रथम बार आज इस तरह के वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। नहीं तो या तो क्रिकेट या फुटबॉल से काम चलाया जाता था, लेकिन आज प्रथम बार वॉलीबॉल का आयोजन किया गया है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का, हम लोगों के लिए, हम इसके लिए अपने पूरे सीनियर बैच की ओर से, 18-21 बैच की ओर से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर जी। तो यहाँ पे यहाँ पे जल्द ही मैच चालू होगा। आज के जो मैच रेफरी है वो हमारे हर सर है, जो की काफी अच्छी जानकारी। किस तरह का व्यवस्था किया गया है यहाँ, लाइट लगाने का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि नाइट मैच का भी प्रोग्राम बन चुका है। देखिए यहाँ लाइट लगाने का भी व्यवस्था कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ। उसमें काफी हम लोग का सहयोग किए हैं, और ये सर को मैं जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से सभी को लोग आकर लोग हेल्प करते हैं। और जो बोलते हैं मतलब कि आपकी सहमति बनाकर रखे हैं, होस्टल फैमिली है, तो ये काफी अच्छी है। ये सर को धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि जूनियर से बार बार मिलते हैं, जब भी उनका टाइम मिलता है तो सभी जूनियर से मिलकर ही जाते हैं। और दोनों ही टीमों को हमारे स्कोरर्स के अंदर भोजन भी, और काफी समय से तैयार भी टीमों को दोनों टीमों को बेस्ट मैच ऑन द बेस्ट बाकी का आप मैदान में जितना मेहनत करते हैं नतीजा उसी के ऊपर आता है। और दोनों ही टीम के कैप्टन सुधा सर आपका टीम दो टॉस के लिए आ गए हैं। मैं ऊपर से व्यू लेकर दिखाता हूँ आपको, देखिए मैं कुछ ऊपर जा रहा हूँ, हमारी बैटरी है। ऊपर का व्यू से देखिए आप लोग, अभी पहुँच चुके हैं हम, बस अब पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ उपाय दूसरा नहीं है, बस है जो है, बस इसका एंटरटेनमेंट आप लोग करते रहिए। और ज़्यादा देर तक शायद नहीं टिक पाइएगा, क्योंकि मेरा बैटरी भी लो होने वाला है, देख सकते हैं पूरा। बहुत मेहनत की गई है ग्राउंड को लेकर, और इधर मैं आपको दिखा दूँ कि जो यहाँ NH-39 है उसका भी व्यू ऊपर से दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मोरनी रिफाइनरी उधर है, रिफाइनरी का टाउनशिप।
लेकिन मैं कल पूरा लाइव जो होगा क्रिकेट का वो पूरा मैं दिखाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, उसे देखना ना भूलिएगा। और उसके बाद फिर 29 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होगा फेयरवेल पार्टी का, उसका भी लाइव इसी चैनल पर दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ज़रूर देखना होगा। मैं आपको एक से एक व्यू दिखाता रहूंगा ऊपर से डाउन। प्रशांत जो लिख रहे हैं कि जूनियर हैं, तो जूनियर हैं तो बहुत बहुत वेलकम है आपका, आप यहाँ पे आकर मैच हमारे इस चैनल पे देख रहे हैं। मैं आप सभी को कल यार निर्देश दे दूं कि कल, अब देखिए बस कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोनों टीम के और रेफरी भी आ गई है और दोनों टीम के खिलाड़ी भी आ चुके हैं अपने ग्राउंड में, तो बस कुछ ही क्षण में आपके सामने स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँगी, तो कल क्रिकेट मैच होगा बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ जूनियर की बदले की भावना है मन में, क्योंकि वो फ्रेशर में हार चुकी है, इसलिए जो 18-21 मैच के जो सीनियर हैं हमारे, उनसे इस बार जीतने की उम्मीद तो लगा रखे हैं कि हम लोग तो 2019-22 वाले मैच जीतने का ही उम्मीद लगाए रखेंगे। लेकिन वैसे भी दोनों टीमों में बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो आप कल लाइव देखिएगा और उसके बाद फिर बताइएगा। देखिए मैं आपको जो हमारा हॉस्टल है उसका अपर व्यू है पूरा, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, इधर NH है, NH 39 जो इसके बगल में ही बेस्ट है। प्रशांत लिख रहे हैं तो इधर 20 बैच के हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और वेलकम है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेकिन मैं ये सब नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा लाइव वॉलीबॉल मैच की ओर। तो बस आप लोग बने रहिए और जब तक हम वहाँ तक दिखाते हैं तब तक कमेंट करते रहिए और लाइक भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। देखिए लगता है मैं तो स्टार्ट करके हम लेट हो गए हैं, तो चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ व्यवस्था। देखिए मैं तो और पहला पॉइंट जूनियर टीम को मिल भी चुका है, तो हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़ा सा बस, लेकिन आप लोग देखते रहिए। देखिए फिर से दूसरी पॉइंट लगातार जूनियर टीम को दूसरी पॉइंट मिली, हार पे हार सफलता मिलती जा रही है जूनियर के टीम को। मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, बस आप लोग बने रहिए। और देखिए खराब शॉट विनय के द्वारा, लेकिन कोई बात नहीं, जूनियर टीम एक लॉस कर चुकी है जिससे सीनियर की टीम में एक स्कोर की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन उससे कोई घबराना नहीं है, अभी मैच बहुत बाकी है, तो बस आप लोग देखते रहिए एंजॉय करते रहिए। और फिर से बॉल आई पास में, लेकिन नेट में बॉल फंसी और फिर से एक पॉइंट जूनियर की टीम को मिलते हुए। इधर से पीयूष बॉल को उछालते हुए, देखिए बॉल उछला उस पार गई, ओ विवेक तो अच्छा प्रयास किए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला और एक पॉइंट फिर से। फिर से खराब शॉट, कपिल देव तो बहुत ही जाने माने प्लेयर माने जाते हैं, ये खेलने में बहुत बहुत धाकड़ है। तो देखिए अभी पॉइंट पे पॉइंट दिलाते जा रहे हैं अपने जूनियर की टीम को।
ओ देखिए वाह शॉट लेके नेट के नीचे से गए, कोई फायदा नहीं जूनियर की टीम को और पूरा फायदा भरपूर फायदा मिलेगा सीनियर की टीम को, एक पॉइंट की बढ़ोतरी। और मैं आपको बता दूं मैं तो यहाँ रोमांचक हो रहा है लेकिन मुझे अब जाना होगा क्योंकि बैटरी 3% हो चुकी है मेरे। अभी 3-4 मैच होने वाली है फिर से हम आएंगे बस हाफ आवर में, एक आधा घंटा के बाद लाइव आएंगे फिर से। अभी के लिए हम चार्ज थोड़ा सा कर लेते हैं। ओ बाहर गए धीरज के हाथों की गलत शॉट, गेंद को बाहर फेंका और फिर से एक की नुकसान तो हो ही है लेकिन अभी तो बहुत मैच बाकी है, रोमांचक और भी बढ़ेगा। बस आप लोग देखते रहिए एंजॉय करते रहिए। हरिओम के द्वारा शॉट और फिर से देखिए बहुत गजब शॉट लेकिन बाहर गए गेंद, फिर से नुकसान होते जा रही है 2019-22 वाले बैच को, फायदा हो रहा है पूरा का पूरा 21-18-21 वाले बैच को, लंबाई का फायदा उठाते हैं हमारे शुभम सर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ शुभम सर बहुत ही लंबाई का फायदा उठाते हैं और इधर लगातार दुख की बात है कि हम जाने वाले हैं लेकिन मैं चलता हूँ तब तक के लिए बने रहिए फिर से मैं आऊँगा। थैंक यू धन्यवाद। हेलो और यहाँ पे काफी खराब सर्विस है यहाँ पे दोनों ही टीम के द्वारा। सात सात के बराबरी है दोनों टीमें यहाँ पे अच्छी बढ़िया सुधर सर की और पॉइंट बचाने में सफलता के लिए एक बार फिर से यहाँ पे लीड में आ चुकी है दुनिया की टीम और हमारा स्कोर